तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे से होंगे। ये हमारे पास DJI का गिम्बल है, मैंने ऑनलाइन बुक किया था इसको, 8,500 रुपए का पड़ा है। वैसे गिम्बल आपको मार्केट में और सस्ते भी मिल जाते हैं, डिजिटेक वगैरह के 6,000 रुपए के, 6,500 रुपए के, और चाइना के भी आते हैं वो भी 5,000 रुपए के। लेकिन ये जो DJI कंपनी का है ये बहुत ही अच्छा होता है और ये जल्दी खराब नहीं होता। इस पे यहाँ पे 2 साल की इसकी वारंटी मिलती है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, और कस्टमर केयर का नंबर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन इसकी वारंटी होती है, आप इसको वो करा सकते हैं, इसकी वारंटी कवर करा सकते हैं कभी भी दिक्कत करे तो। चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमको। तो इसकी पैकिंग देखें आप कितनी अच्छी इन्होंने बनाई हुई है। तो यहाँ पे देखें ये निकला, इसके अंदर से एक बॉक्स निकला है, बाकी इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं पहले क्या निकलता है। तो इसके अंदर से देखें ये एक केबल निकल रहा है, और जो कि USB टाइप सी केबल है। यहाँ पे देखें ये USB टाइप सी केबल है, ये इसके अंदर लगाने के लिए होता है, आपको कहीं भी हैंग करना है तो ये लगा सकते हैं इसको आप। और इसके अंदर देखते हैं क्या है, ये बहुत सॉफ्ट सा एक बैग मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप इसको रख के जो है पोर्टेबल बन जाएगा, कहीं भी ले जा सकते हैं इसको आसानी से। और इसके अंदर है हमारा गिम्बल, तो ये देखें हैं, चार्ज पे लगा सकते हैं। और नीचे ये आप अगर स्टैंड में इसको फिट करना चाहते हैं तो यहाँ स्टैंड में इसको फिट कर सकते हैं, यहाँ से आप टाइट कर देंगे ये स्टैंड में फिक्स हो जाएगा। तरीके से इसको लगा देंगे मोबाइल को, और यहाँ पे देखें ये इसका जॉयस्टिक का बटन है, यहाँ पे ये इसका कैप्चर का है फोटो वीडियो मोड पे, और यहाँ पे देखें ये जूम आउट और इन का है ऑप्शन, और यहाँ पे ये मिल जाता है USB पोर्ट है जहाँ से आप चार्जिंग भी लगा सकते हैं मोबाइल में, अगर चार्जिंग खत्म हो रही तो यहाँ पे आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चार्जिंग पोर्ट है और ये ऑन ऑफ का है और ये मोड का भी है, सिलेक्ट करेंगे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में मोबाइल आपका स्टैंड हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसमें ऐप डाउनलोड करना है DJI ओस्मो करके, जो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है पहले से। तो ये देखें आप DJI मीमो करके सॉफ्टवेयर है, ये आपको डाउनलोड करना है पहले, और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है आपको एक ईमेल एड्रेस से अपने, और करेंगे डिवाइस को पहले आप एक बार लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से ऑन हो जाएगा और ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड में हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे फास्टली, इस तरीके से डबल क्लिक करेंगे ये पोर्ट्रेट में हो जाएगा। और अब मैं मोबाइल को ऑन करता हूँ दोबारा से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कनेक्ट DJI डिवाइस कनेक्टेड यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो ये कैमरा पे चले जाएंगे, और कैमरा पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ब्लूटूथ आपको ऑन रखना है अपना, और अगर ब्लूटूथ ऑन नहीं है तो वहाँ से आप जा करके ऑन करके और डिवाइस को ये ओसमो 3 करके वहाँ पे शो करेगा, आप उसको कनेक्ट कर देंगे ब्लूटूथ से, ये कनेक्ट हो जाएगा। अब ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद यहाँ देखें मैं, और यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, अगर आपका नहीं खुला होगा ब्लूटूथ तो यहाँ पे ब्लिंक करेगा ब्लूटूथ का ऑप्शन, तो आप उसको वहाँ पे क्लिक करके भी डायरेक्ट ब्लूटूथ में पहुँच सकते हैं और वहाँ से सर्च कर लेंगे अपनी डिवाइस। अब देखें यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग पे लगाता हूँ, तो यहाँ पे देखें आप प्रेस करने पे ये रिकॉर्डिंग मेरी चालू हो गई है, 3-4 यहाँ पे देखें चल रहा है, माइक भी चल रहा है। तो यहाँ पे आप सिंगल प्रेस करेंगे यहाँ से ये इस स्विच पे, तो ये फोटो मोड पे भी हो जाएगा और यहीं से ही वीडियो मोड में। अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी देखें मैं इसका लाइव आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से, और इसकी वीडियो भी मैं अभी इसमें डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये। और यहाँ से देखें ये जॉयस्टिक से ऑटोमेटिक ये देखें रोटेट कर रहा है पूरा, ये जॉयस्टिक से मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये रोटेट कर रहा है, और यहाँ से ये साइड से जूम इन जूम आउट का है ऑप्शन, देखिए ये जूम हो रहा है, और पीछे साइड करेंगे तो ये जूम कम हो जाएगा। इस तरीके से आप
इसको कर सकते हैं। वो वैसे है बना कर।